बुंदेलखंड क्षेत्र की भाजपा की जन विश्वास यात्रा अपने छठवें दिन फतेहपुर से चलकर बांदा जिले के तंदवारी विधानसभा के बेंदा घाट पहुंची, जहां पर भाजपाइयों ने जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया। लेकिन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के न आने से ही जनसमूह और पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा भी देखने को मिली। तंदवारी कस्बे के सब्जी मंडी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि सभी को आवाज देकर और सभी को बिजली शौचालय देकर डबल इंजन की सरकारें समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के लिए भी काम कर रही हैं। बुंदेलखंड में जितना विकास हुआ है इतना किसी सरकार में आज तक नहीं हुआ। सभी क्षेत्रों में ये भारतीय जनता पार्टी यात्राएं निकल रही हैं और पूरे जितने भी हमारी 403 विधानसभाएं हैं, ये सारी यात्राएं हर विधानसभा के में जाके इसी तरीके से जन विश्वास लेने के लिए जनता के बीच जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 में मैं भी आई थी और आपके बीच में आती रहती हूं। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहती हूं कि यदि तालाब में एक मछली मर जाए तो क्या पूरा तालाब गंदा हो जाता है? तो मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि आपके विधानसभा के हम सम्मानित लोग हैं, यदि किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है या पीड़ा दी है तो उसकी तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन बस इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपकी गुस्सा और आपकी नाराज़गी कहीं हमारे देश का नुकसान न कर दे। ये जन संदेश यात्रा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी द्वारा जो ये कार्यक्रम आज लाभ का काम जो मिला है, हमारी बहनें उससे प्रभावित हुई हैं और उसके साथ हमारे जन जन में चाहे वो शौचालय हो, चाहे आवास व्यवस्था हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे कौशल विकास हो, इस माध्यम से हमारी बहनें और भाई लोग जुड़े हैं, लाभ लिए हैं। इस लाभ को हम जन जन तक जाकर विश्वास दिलाते हैं और उसके बाद जो है जिस तरह से सोच ईमानदार, काम ईमानदार और एक बार फिर से मोदी और योगी सरकार। इस दौरान मंच पर प्रभारी मंत्री राखन सिंह राजपूत, जन विश्वास यात्रा के प्रदेश संयोजक बाबूराम निषाद आदि कार्यकर्ता और भाजपा नेता मंत्री मौजूद रहे। बांदा से अनवर अजहा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।